नमस्कार, मैं हुदबांजी मोइका। साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने अभी से ताल ठोकना शुरू कर दिया है और अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही सभी पार्टियों ने अपने पक्ष में जीत कंफर्म करने के लिए मजबूत और जीताऊ उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बल पर विधानसभा का चुनाव जीता जा सके और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की होड़ सी लगनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है संजय दत्त के बारे में। मीडिया में छपी खबरों की माने तो संजय दत्त जल्दी ही महाराष्ट्र से अपनी राजनीतिक पारी का श्री गणेश कर सकते हैं। इस बात का खुलासा किया है महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर ने। जानकर की माने तो अभिनेता संजय दत्त 25 सितंबर को उनकी पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष में शामिल होंगे। महादेव रासप के संस्थापक भी हैं। रासप महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और महादेव जानकर पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री हैं। महादेव जानकर ने रविवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया कि अभिनेता संजय दत्त 25 सितंबर को हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वैसे तो संजय दत्त 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पुराने केस में फंसे होने के कारण चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। संजय दत्त सपा के महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय ने कांग्रेस उम्मीदवार और अपनी बहन प्रिया दत्त के लिए मुंबई में चुनाव प्रचार भी किया है। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में कहां से और किस विधानसभा की सीट से अपनी किस्मत आजमाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होगी कि जब वो रासप में सितंबर में शामिल होंगे।